हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो CPCL की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 16.5 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो IOCL का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जो एक PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। पोस्ट और क्वालिफिकेशंस की बात करें, CPCL की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें केमिकल वालों के लिए 6 वैकेंसीज है और मैकेनिकल वालों के लिए 2 वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला के 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और ये है इसका शॉर्ट नोटिस का डिटेल्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है। बाकी जो भी डिटेल्स है वो डिस्कस करने के लिए मैं 2023 में जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था उसको रेफर कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये है CPCL का 2023 में इंजीनियर पोस्ट के लिए फुल नोटिफिकेशन, जिसमें इंजीनियर केमिकल और मैकेनिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 26 ईयर्स तक रहा गया है। एज लक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। फर्स्ट है इंजीनियर केमिकल के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल डिसिप्लिन में से 4 साल का BE/TECH की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BE/TECH की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके BE/TECH में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। और SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए आपके BE/TECH में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री यानी कि BE/TECH प्लस MEM/TECH किए हो तो भी इसके एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग गेट 2023 में क्वालिफाई किए हो तो ही इसके एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। विदाउट गेट आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जो लोग गेट 2022 या तो उसके पहले क्वालिफाइड है वो लोग इसके एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिलेक्शन होने के बाद जॉइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोगों का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। अप्लाई करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। 2023 में जो नोटिफिकेशन आउट किया गया था उसके अकॉर्डिंग जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया था, जो कि आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। सिमिलरली SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। बट इस बार जब फुल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसमें चेंजेस वगैरह भी हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके गेट 2023 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के साथ साथ आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल या तो नोटिस के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गेट स्कोर का जो वेटेज है वो 85% रखा गया है और इंटरव्यू का वेटेज 15% है। इसमें आप लोग का पे स्केल E2 ग्रेड के हिसाब से यानी कि 50,000 से लेके 1,60,000 रहेगी, जिसमें बेसिक पे 50,000 और उसके साथ साथ आप लोगों को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CTC 16.5 लाख पर एनम मिल जाएगी। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या है वो इस शॉर्ट नोटिस पे कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उस टाइम आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही कुछ अपडेट है जो CPCL की तरफ से निकल कर आ रही है। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या तो क्वेश्चंस है
तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जरूर के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।